की बात नहीं है, देश को बहुत जल्दी मुस्लिम देश बनाने की एक राजनीति बहुत तेजी से देश के ऊपर हावी होती जा रही है। और हमारा तो एक ही बात कहने की, हमें कहीं ना कहीं लगता है कि माननीय मोदी जी का इन सबको आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि जहाँ भगवान श्री राम की बात आती है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भव्य मंदिर की बात आती है, तो बार बार जो है कभी तारीख आगे बता दी जाती है, कभी 3 महीने के लिए सुनवाई टाल दी जाती है। और आज अखिल भारत हिंदू महासभा ने जो इस मामले की मूल वादी थी, जिनने सन 1949 के अंदर इस मामले की मूल बात को अपनाया था, आज जब उस पार्टी के ही बात को टाल दिया जाता है, उन्होंने जल्दी सुनवाई की बात कह दी, सुप्रीम कोर्ट इसे टाल देती है, तो ये कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट भी इस तरह की बातें कर रही है कि वो भी कहीं ना कहीं हमारे देश को मुस्लिम राजनीति की ओर ले जा रही है, और हम इसका पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। वह आपकी मीडिया के माध्यम से एक ही बात कहना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार, माननीय योगी जी की प्रदेश सरकार, माननीय मोदी जी की केंद्र सरकार इन मामलों में हस्तक्षेप करे, नहीं तो भगवान श्री राम का मंदिर अगर इस साल नहीं बना तो हम हिंदू महासभा के कार्यकर्ता जगह जगह, गाँव गाँव, कस्बा कस्बा, महानगर नगर, शहर शहर होर्डिंग लगाने के लिए मजबूर होंगे। और होर्डिंगों पे एक ही बात रहेगी कि भगवान श्री राम का मंदिर जब तक आप नहीं बनाएंगे तो हिंदू आपको वोट नहीं देगा और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिन वादे और मुद्दों को लेकर ये सरकार सत्ता में आई, उन वादे और उन मुद्दों पर कोई भी काम इस सरकार द्वारा नहीं किया। और मेरा कहना ये है कि भारत के समाज में जो हमारे यहाँ समाज बढ़ते हैं, उन समाज में किसी के भी प्रति, किसी समाज में किसी वर्ग के भी प्रति इन्होंने कोई काम नहीं किया। ना महिलाओं के लिए काम हुआ है, ना पुरुषों के लिए कोई काम हुआ, ना छात्रों के लिए हुआ, और ना ही मजदूरों के लिए काम हुआ, ना व्यापारियों के लिए। और हर क्षेत्र में जो भी कदम इन्होंने उठाए उसमें भारत की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को नुकसान ही हुआ है, और उसमें भारत का ही नुकसान हुआ जो भी कदम इन्होंने उठाया, चाहे वो GST का हो या नोट का काम नहीं किया। वादा किया था रोज़गार देंगे, रोज़गार भी नहीं दिया। अब जब कुछ नहीं किया है तो इनके पास और क्या रह गया? आखिर में हिंदू मुस्लिम करेंगे, आखिर में राम मंदिर का मुद्दा उठाएंगे। अगर राम मंदिर के किसको आपत्ति है? राम मंदिर निर्माण में किसी को आपत्ति नहीं है। सबका कहना यह है कि जो कोर्ट का फैसला है उसको सारा हिंदुस्तान के लोग मानेंगे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान।